असलम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप दैट यू विल बी फाइन अगर कोई नया होगा चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक तो जैसे आप सभी जानते हैं कि आप सबको पता चला होगा कि जो बी एस नर्सिंग बी एस सी पैरामेडिकल बी एस सी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो काउंसिलिंग शेड्यूल था वो अभी तक नहीं निकला बट आज उन्होंने उसकी नोटिफिकेशन जारी की तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग कब आ, से स्टार्ट होगी कब जाना है आपको क्या आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या ऑफलाइन ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब दे, देखो अब क्या होगा आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना ठीक है मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा कॉलेज प्रेफरेंसेस का वहाँ पे आप मुझे सेपरेटली जरूर मैसेज कर लेना ठीक है जो भी वीडियो देख रहा होगा अगर किसी को अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो पहले कर लेना ज्वाइन ठीक है वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कैसे करनी है आपको क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम होती है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दिस इज द काउंसलिंग काउंसलिंग शेड्यूल ठीक है फॉर सबमिशन ऑफ आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहेगी ठीक है पिछले साल की तरह बट जो सेकंड राउंड है वो ऑफलाइन होगा अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी कि फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज नहीं मिला जो चाहता है देन गो फॉर द सेकंड राउंड बट पहले आपको एडमिशन करना है वहाँ पर जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट करेंगे वो ठीक अब यहां पे क्या है मसला देखो अब काउंसलिंग मतलब जो है उसमें प्रेफरेंस कॉलेज प्रेफरेंस आपको अच्छे से रखनी है ठीक है उसमें कोई गलती नहीं करनी है ठीक तो अगर किसी को पता नहीं होगा हमें कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखनी है कौन सा कॉलेज पहले रखूं कौन सा प्राइवेट है कौन सा सेमी गवर्नमेंट है कौन सा गवर्नमेंट है तो अगर किसी को इसमें दिक्कत होती है ठीक है अगर किसी को कुछ पता नहीं होगा तो कॉन्टेक्ट कर लेना ठीक है तेलिंग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना ठीक अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं आप द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन फिलिंग चॉइस प्रेफ्रेंसेज शल भी अवेलेबल विद रेस्पेक्ट विद द इफेक्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव एट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मतलब ट्वेंटी फाइव अगस्त से आपकी जो काउंसिलिंग ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी कहाँ तक थर्टी अगस्त तक ठीक है तो आपको uh, जो इन्होंने गैप दिया है दैट फाइव डेज आर दिया ठीक है टू फिल अप योर कॉलेज प्रेफ्रेंसेज या चॉइस प्रेफ्रेंसेज आपको वहाँ पर आपको फिल करनी है ठीक है या ऑनलाइन होगी आपको अगर किसी को नहीं आएगी ठीक है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना मैं खुद कर लूँगा उसके काउंसलिंग ठीक है और विदाउट एनी चार्ज ठीक आप कोई टेंशन आप मतलब टेंशन नहीं लेना बस अगर उसमें आपको थाउजेंड फी करना है हाँ यहां पे लिखा होगा नीचे मैं अभी बताऊंगा आपको यहां पे आप देख सकते हैं ठीक है आपको उसमें कितना पे करना है थाउजेंड आप बस अकाउंट में थाउजेंड डालना ठीक है और कुछ आपको आ, आ, मुझे कोई पैसा नहीं देना है ठीक है मैं आपकी काउंसलिंग खुद करूँगा मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि जिसको नहीं आएगा ठीक उसको कॉलेज प्रेफरेंस भी खुद ही रखूंगा ठीक है अच्छे से पॉइंट्स आप शेयर कर लेना रैंक नेम सारा कुछ जो उसमें डाटा लगता है वो मेरे साथ व्हाट्सअप कर लेना या टेलीग्राम

एक सेकंड में उसको ये रखता हूं बंद हाँ देखो अगर अब क्या उसको क्या करना है यहां पे देखो आप <coughs> उसको क्या करना है वो उसको बूपी ऑफिस जाना है ठीक है ट्वेंटी नाइन तक वो जा सकता है दो बजे तक ठीक है वो उसको बूपी ऑफिस जाना है उनको बोलना है मुझे जो सबमिट या कॉलेज प्रेफरेंस है वो गलत हुई है फिर जाके आप चेंज कर सकते हैं ठीक है ठीके? देखो जब आप कॉलेज प्रेफरेंस करते हो ना उसके बाद सबमिट करना होता है उसके बाद वो कॉलेज जो चेंज नहीं कर सकते ठीक है इसीलिए उसको बता रही कि जिसको हो गए हुए मतलब कोई गलती होगी प्रेफ्रेंसिस में तो वो बो ऑफिस जा सकता है वहाँ पर वो चेंज कर सकता है ठीक है उनको बोल के उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है द बोर्ड शेल प्रोविजन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस हुए फेल टू अपलो इम सर्टिफिकेट ट्वेल्थ मार्कशीट ठीक है फॉर दर्पज एस ए ट्रेनिंग द डी ओ बट्सट्रा कंडीशन दे मस्ट फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड मैं इन द नोटफिकेशन ठीक है एंड हैव टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ दियर एडमिशन इन द रेस्पेक्ट टू कॉलेज अब क्या होगा देखो अगर किसी uh, जब आपने uh, ये ऑनलाइन फॉर्म भरा ठीक है वहां पर अगर किसी को मतलब ट्वेल्थ uh, मार्क्शीट में आ, कोई प्रॉब्लम हुई या किसी ने अपलोड नहीं किया होगा डो मिसाइल तो जिसको uh, मतलब, तो जिस स्टूडेंट को जो कॉलेज मिलेगा वहां पर आप वहां पर आपको वो फिल करने ठीक है सबमिट वहां पर करने कोई मसला नहीं है अगर वो सिलेक्ट तो हो गई ठीक उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है

ठीक उसके बाद यहां पर सीडीपी कैटेगरी का क्या मसला है द सी डी अलॉटेड टू द एलिजिबल कैटेगरी कैंडिडेट्स ठीक है फिजिकली दिनिबल्सिकलींग द सेकंड राउंड अब देखो जो सीडीपी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सीट्स है वो उनको अलॉट करेंगे ज्यूरिंग द फिजिकल देखो जो सेकंड राउंड होगा वो आपका ऑफलाइन होगा वहां जाके आपको वहां पर कोई मसला नहीं होगा फिर ठीक है सेकंड राउंड में आपको आराम से कॉलेज मिलेगा अगर फर्स्ट राउंड में कोई प्रॉब्लम होगी ठीक उसके बाद सीट मैट्रिक्स शल भी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट आज या कल ये सीट मैट्रिक्स अपलोड करेंगे उसमें आपको क्या लिखा होगा किस कॉलेज में कितने सीट्स वैकेट है और कि, आ, मतलब जो कैटेगरी है किस कैटेगरी में कितनी परसेंट रिजर्वेशन है ठीक है सीट के लिए ठीक उसके बाद मेरे फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन हियर यहाँ पे क्या लिखा है मैं आ रही फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस शल नॉट कन्फर्म एनी प्रोफेशनल राइट क्लेम अपन दंसर्न आपको खुद पढ़ना पढ़ना आप ठीक है यहाँ पे देखो अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर द कैंडिडेट्स हैव बीन अलॉटेड सीट जो वो कैंडिडेट्स जिनको सीट मिली या कॉलेज जिनको मिला ठीक है फर्स्ट राउंड में शल हैव टू नेसेसरली ज्वाइन अगेंस्ट अलॉटेड कॉलेज मतलब देखो ये क्या बोल रहा है आ, जिसको पहले राउंड में कॉलेज मिला उनको नेसेसरली जरूरी वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं सो देट दे आर एलिजिबल इन दिस सेकंड राउंड ठीक है उसके बाद उसके बाद जाकर वो सेकंड राउंड में एलिजिबल है वरना वो नहीं दे सकते ठीक है या अगर किसी ने फर्स्ट राउंड नहीं किया ठीक है अगर किसी ने फर्स्ट राउंड नहीं किया ठीक है अब वो क्या करता है उसने मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया फर्स्ट राउंड में ठीक है ऑनलाइन काउंसलिंग उसने नहीं की अब क्या है वो वो भी एलिजिबल है सेकंड राउंड में ठीक है थीके? अब जो स्टूडेंट है उसने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया बट उसको जो कॉलेज मिला उसने वहाँ पे उसने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला उसने वहां पर ज्वाइन नहीं किया उसने ज्वाइन नहीं किया अब वो फिर एलिजिबल नहीं है सेकेंड राउंड में याद रख लेना ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है पॉइंट नंबर अलेवन द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल एंड शेल बी टू बी लाइबल्ड इन केस ऑफ एन इन्फॉर्म प्रोवाइड बाई कैंडिडेट्स इज प्रूव टू बी फॉल्स अंडर मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट uh, मतलब प्रूव uh, किया गया कि ये फॉल्स है तो उसको परमिट नहीं करेंगे ठीक है उसके अपॉन मतलब वो एक्शन लेंगे ठीक है <coughs> अब यहाँ पे यही था अब यहाँ पे जो मैंने आपको सारा कुछ समझा अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा रिगार्डिंग काउंसलिंग अब जब सीट मैट्रिक्स आएगा ठीक है मैंने बोला जरूर ज्वाइन करके रखना टेलीग्राम काउंसलिंग के बारे में क्योंकि काउंसलिंग मतलब इसमें इंपॉर्टेंट मे रोल कॉलेज प्रेफरेंस ठीक है वो सही से कर लेना ठीक अगर आ, किसी को अभी भी कुछ कन्फ्यूजन होगा ठीक है नया होगा मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ठीक है और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज़